प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के बलिया, बिहार के बक्सर, सासाराम और चंडीगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। बलिया में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं जाति पूछकर घर और शौचालय नहीं देता, मैं वोट भी जाति के नाम पर नहीं मांगता। घर भी जाति पूछकर के नहीं दिया, गैस का चूल्हा भी जाति पूछकर के नहीं दिया, शौचालय भी जाति पूछ करके नहीं दिया, और इसलिए वोट भी जाति के नाम पे नहीं मांग रहा हूं भाई। न देता जाति के नाम पर हो, न लेता जाति के नाम पर हो, मुझे तो मेरे देश के लिए जीना है, देश के लिए कुछ करना है, इसलिए वोट भी देश के लिए मांगता हूं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बिहार के बक्सर में भी चुनावी रैली की और बक्सर में उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने गरीबी के नाम पर सिर्फ खोखले वादे किए और अपनी तिजोरी भरी। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक गरीबों के नाम पर वोट बटोरे, बड़े बड़े पद हासिल किए, लेकिन जब काम करने की बारी आई तो सबसे पहले उन्होंने गरीबों को भूलने का ही काम किया। ये लोग भी गरीबी से निकले थे, लेकिन इन लोगों ने आज हजारों करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वाराणसी ने विकास ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी नई लकीर खींची है। वाराणसी की जनता के नाम वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि काशी मेरे रोम रोम में बसा है। वाराणसी में 19 मई को आखिरी चरण में मतदान होना है। काशी मेरे लिए सिर्फ दो अक्षर नहीं बल्कि मेरे रोम रोम में बसी अध्यात्म, धर्म और संस्कृति की एक अविरत प्रेरणा है। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे एक सेवक के रूप में काशी की पवित्र भूमि पर काम करने का अवसर दिया। भाइयों और बहनों, जिस काशी पर बाबा विश्वनाथ मोहित हो, उसे किसी की क्या आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब पूरा देश काशी की ओर देख रहा होगा तो उसे मतदान का नया रिकॉर्ड भी बनाना होगा, क्यों ना देश भर का रिकॉर्ड तोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि आप सोशल मीडिया पर वोटिंग के बाद सेल्फी जरूर डालिए, उसे देखकर मुझे आनंद होगा। गर्मी बढ़ रही है, इसलिए अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा, और मेरा तो आग्रह रहेगा कि पहले मतदान फिर जलपान, सुबह सुबह 10 बजे के पहले मतदान कर दीजिए, उतनी गर्मी भी नहीं होगी, और मतदान के बाद आप लोग सेल्फी खींचे बिना रहने वाले नहीं हो, मुझे मालूम है आप सेल्फी जरूर खींचेंगे। आप उस सेल्फी को सोशल मीडिया पर जरूर डालिएगा। मेरी सारी दौड़ धूप में भी बीच बीच में मैं आपको देखूंगा, आपकी तस्वीर देखूंगा, और एक प्रकार से परोक्ष रूप से आपके आशीर्वाद भी प्राप्त करूंगा। मन को एक बहुत बड़ा आनंद होगा। और हाँ, आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, मेरे लिए नहीं, नरेंद्र मोदी के लिए भी नहीं, काशी के लिए। जब पूरा हिंदुस्तान काशी की तरफ देख रहा हो तो काशी ने मतदान में भी नया रिकॉर्ड बनाना ही चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज कोलकाता में रोड शो किया और 7 किलोमीटर लंबा ये रोड शो शहीद मीनार से मानिक तला तक चला। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने अमित शाह का स्वागत किया, चारों ओर सिर्फ लोगों का हुजूम नजर आ रहा था।
बंगाल की जनता जिस प्रकार से उमड़ी है ये दिखाई पड़ रहा है कि अब बहुत ये दिन बहुत दूर नहीं है कि यहाँ परिवर्तन होने जा रहा है। हालांकि कोलकाता में रोड शो के दौरान हिंसा की खबर आ रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी वर्कर पर हमला किया और आगजनी की। इस दौरान कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल भी हुए। और इससे पहले राज्य पुलिस की अनुमति के कागजात मांगने पहुंच गई थी सभा पे और पेपर नहीं दे पाने पर मंच तोड़ने को पुलिस ने कह डाला और बढ़ते विवाद के बीच भाजपा कार्यकर्ता रैली स्थल पर जमे ही थे कि इधर सड़कों पर से पीएम मोदी और अमित शाह समेत भाजपा के कई होर्डिंग, पोस्टर और बैनर्स हटा दिए गए। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इसे तानाशाही बताया और कहा कि पूरे बंगाल में अराजकता का माहौल है। यहाँ पर ममता जी के गुंडे और पुलिस दोनों ने साथ में आकर 15 मिनट में सारे हमारे लगे हुए कटआउट झंडे निकाल कर एक अराजकता का वातावरण बना दिया और जैसे हम आए तो भाग गए, अधिकारी भाग गए और गुंडे ही भाग गए। तो कुल मिलाकर ये अराजकता है, यहाँ पर डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं है। चुनाव आयोग कहने के लिए चुनाव आयोग का प्रशासन है पर पूरी की पूरी टीएमसी का प्रशासन है जो कि यहाँ गुंडागिर्दी कर रहा है। तो पश्चिम बंगाल में चुनावों के दौरान हुई हिंसा को देखते हुए बीजेपी ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की और बीजेपी ने कहा कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर रोक लगाई जाए और उन्हें नजरबंद किया जाए। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी हार रही हैं और हार के हताशा के कारण लगातार वहां हिंसा बढ़ रही है और वो यह कह रही है कि इंच बाय इंच में बदला लूंगी। हम चुनाव आयोग से यह शिकायत करने आए कि अगर किसी पार्टी का नेतृत्व इस प्रकार के वक्तव्य दे तो उनको बोलने से, भाषण देने से उनको रोकना चाहिए, बैन लगाना चाहिए और इसके साथ साथ स्पष्टीकरण भी तुरंत उनसे मांगना चाहिए। टीएमसी के गुंडे सड़क पे घूम रहे हैं और वह सभी प्रकार के जो असामाजिक कार्य हैं हिंसा में लगे हुए हैं। चुनाव आयोग से मैंने मांग किया है कि जो टीएमसी के गुंडे हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनको हाउस अरेस्ट किया जाए, उनको घूमने न दिया जाए। चुनाव आयोग भी इस बात से सहमत है कि जो टीएमसी के गुंडे हैं, जो इस प्रकार के जो हरकत कर रहे हैं उन पे रोक लगाई जाए। उन्होंने भी वहाँ से एसपी से, एसएसपी से, अधिकारियों से सूची मांगी है। इस पूरे हालात पर ज्यादा चर्चा के लिए आइए रुक कर लेते हैं कोलकाता का। अनु दीवान मेरे सहयोगी वहां मौजूद हैं। अनु, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि हिंसा की खबर आ रही है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जिस तरह से यहाँ पे रोड शो शुरू हुआ, रोड शो करीब 4:30 बजे शुरू हो गया था, लेकिन उससे पहले ही क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इसके ऊपर आपत्ति जताई थी कि क्यों उनके बैनर्स और पोस्टर्स हटा दिए गए, तो बताया गया कि राज्य की पुलिस जो आई थी उनसे कागजात मांगने आई थी परमिशन के। तो उन्होंने जब ये सब पूरी घटना हुई और उन्होंने जो राज्य पुलिस थी उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जो पोस्टर्स लगे हुए थे वो हटा दिए। लेकिन उसके बाद जब रोड शो शुरू हुआ तो रोड शो के दौरान जो था कि देखा गया कि अमित शाह के विरोध में जो कई लोग खड़े हुए थे और वो उनके खिलाफ वहाँ पे किसी तरह की इलीगल एक्टिविटीज कर रहे थे। लेकिन जैसे ही रोड शो खत्म हुआ उसके बाद बीजेपी का आरोप है कि ये जो रोड शो में हिंसा जितनी भी हुई है वो टीएमसी कार्यकर्ताओं की वजह से हुई है। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में हिंसा हुई, उसके बाद आगजनी भी हुई और कई तरह से पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। कई लोग इस घटना में घायल हुए हैं और ये ऐसा पहली बार नहीं है अभिलाषा कि जब किसी बीजेपी अपना कोई रोड शो कर रही हो तो उस तरह के हिंसा की कहीं से खबर आई हो। उनका हमेशा से आरोप रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ता जो हैं उनकी रैली में, उनकी जनसभाओं में, उनके रोड शो में इस तरह से आकर हिंसा करते हैं और कई लोग घायल हो जाते हैं। इससे पहले भी अगर कल की घटना आपको याद दिलाऊं तो कल भी अमित शाह की 3 रैली थी जिसमें से सिर्फ 2 ही वो कर पाए, 1 जो जादवपुर में थी उसकी परमिशन नहीं मिल पाई। लेकिन उसके साथ ही योगी आदित्यनाथ के भी कई कार्यक्रम यहाँ पे शेड्यूल किए हुए थे, 9 में से उनको 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जनसभाएं और रैलीज करनी थी लेकिन कहीं पे भी अभी तक कोई परमिशन नहीं मिला है। ये खुद बीजेपी के लीडर्स ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। तो ये जो अभी फिलहाल जो हिंसा की घटना है पुलिस वहां पे देखा जा रहा है कि जहां अमित शाह का
रोड शो खत्म हुआ स्वामी विवेकानंद भवन के पास, वहीं पर ये सारी खबर, ये सारी घटना हुई है और कई लोग जो हैं इसमें घायल भी हुए हैं, क्योंकि पुलिस को आखिर में इस हिंसा को रोकने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। कई कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में भी लाठीचार्ज हुआ है। चलिए अनु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसील से हमें वहाँ की स्थिति बताने के लिए। और जैसा कि अनु बता रही थी कि लगातार ये मामले देखने को मिल रहे हैं और ख़ास तौर पर परमिशन नहीं मिल रही है वहाँ बीजेपी के नेताओं को प्रचार के लिए, और अभी भी वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें परमिशन मिले। लेकिन पूरे आरोप जो है वो अब TMC पर लगाया जा रहा है इस हिंसा के लिए। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज मध्य प्रदेश के नीमच में एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो किसानों के लिए अलग से बजट लाया जाएगा। मंदसौर के किसान पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में लोकसभा में दो बजट पेश होंगे, एक नहीं होगा, दो होंगे। पहला बजट किसानों का बजट होगा। पहला बजट, उसमें नीमच के किसानों को, मंदसौर के किसानों को, मध्य प्रदेश के किसानों को साल की शुरुआत में ही बता दिया जाएगा। इस प्रकार का काम आपकी सरकार करने जा रही है आपके लिए। इतना पैसा आपके लिए दिया जाएगा। और वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पंजाब के बठिंडा में आज एक चुनावी रैली की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो गरीबों और नौजवानों के लिए घोषणा पत्र में किए गए वादों को सबसे पहले पूरा किया जाएगा। और जहां हमारी सरकारें आई, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, आपने खुद देखा कि मात्र 3 दिनों में कर्ज माफ होने शुरू हुए। जैसे गरीब परिवारों के लिए कांग्रेस पार्टी ने न्याय की योजना बनाई है जिसके तहत आपको 72,000 रुपए सालाना मिलेंगे, उसी तरह से नौजवानों के लिए भी कई योजनाएं हैं। नौजवानों के रोजगार के लिए सबसे पहले कांग्रेस ने घोषित किया है कि जो 24 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं उन्हें 1 साल के अंदर अंदर अगले साल के मार्च के महीने तक भरवाया जाएगा। तो लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए प्रचार अपने जोरों पर है और आज उत्तर प्रदेश के सलेमपुर और बलिया में SP-BSP-RLD गठबंधन की चुनावी सभा हुई। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने रैली में बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को दूसरी पार्टियों के लुभावने वादों से सावधान रहने की जरूरत है। हमारा आपका किसानों का भविष्य भी इस चुनाव से जुड़ा है। इन्होंने झूठ बोल करके, नफरत फैला करके आपसे भरोसा जीतने का काम किया था। अब तो सब कुछ साफ है, अब तो जनता भी जान गई। और 6 चरणों में तो आपने बता दिया कि अब गठबंधन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। सत्ता प्राप्त करने के लिए अब यहाँ सभी विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करने की भी पूरी पूरी कोशिश कर रही हैं, जिनसे आप लोगों को इस चुनाव में भी हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। इन सबके बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने एक बार फिर केंद्र में NDA सरकार की वापसी का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पिछले कामकाज को देखा जाए और प्रधानमंत्री मोदी के 5 साल के कामकाज को देखा जाए तो साफ है कि मौजूदा सरकार में सुरक्षा के क्षेत्र में देश में अभूतपूर्व काम हुआ है। उसमें तो मोदी जी वर्सेस डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी थे, लेकिन 2019 के चुनाव में मोदी वर्सेज हु, कौन, यह अज्ञात है। और मैं तो विपक्ष से अपेक्षा करता हूं कि स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश की जनता को अंधेरे में नहीं रखा जाना चाहिए। जनता को साफ साफ बतलाना चाहिए
यदि वह दावा कर रहे हैं कि नहीं उनकी सरकार बनेगी, तो सरकार को लीड कौन करेगा?